गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नए लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन फ्रॉम एमीन। हम लोग आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स देखेंगे कि एमीन से कैसे हेलो एरीन का प्रिपरेशन होता है और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इनफैक्ट बोले तो आपके बोर्ड एग्जाम में अल्टरनेट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोनों नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर बात करें एनसीईआरटी बुक की तो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन आपकी डायरेक्ट दी है, अगर मैं उसको लिखूं तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके लिखूंगा। और वहां पे केवल एक नेम रिएक्शन का जिक्र हुआ है जो कि सैंडमेयर रिएक्शन है। बट स्टूडेंट्स हम उसी से एक मिलती जुलती रिएक्शन जो कि रिएक्शन गाटरमैन रिएक्शन है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जो दोनों रिएक्शन आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना बहुत ही सुपर ट्रिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, 100% आपको याद हो जाएगी तुरंत के तुरंत। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब ये रिएक्शन करता है एमीन से। हमको एमीन से हेलो एरीन बनाना होगा तो एमीन का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो जो एमीन हमारा होता है स्टूडेंट्स ये है, यानी कि बेंजीन रिंग पे अगर ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एमीन या एनिलीन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे हमको बनाना है क्या, हेलो एरीन। क्वेश्चन ये है कि क्या वन स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ये टू स्टेप में कंप्लीट होगी, यानी कि सबसे पहले एक ऐसा प्रोडक्ट हमको बनाना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, हेलो एरीन के प्रिपरेशन के लिए। तो वो प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, डाइएजोनियम साल्ट। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि केवल ये रिएक्शन आपको हो सकता है याद करना पड़े विदाउट ट्रिक की, बस ये रिएक्शन आप याद करके किसी तरह डाइएजोनियम साल्ट बना दीजिए। उसके बाद ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा कि कोई भी रिएक्शन देख के आप डायरेक्ट हेलो एरीन बना लेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता स्टूडेंट्स कि एमीन से हेलो एरीन बनाए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि डाइएजोनियम साल्ट के यूज करके हेलो एरीन बनाए या डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन आपको कंप्लीट करने को देगा। सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि कैसे देगा। तो अगर बात करें हेलो एरीन बनाने की तो यहां पे जो हमारा एमीन है ये सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करेगा, ये सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा यानी कि हीट देनी पड़ेगी। और अगर इसी को हम केल्विन में देखें तो आपकी NCERT बुक में ये 273 to 278 केल्विन में दिया होगा। तो चाहे हम केल्विन में लिखें चाहे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपको पता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ये आप सभी जानते हैं। तो उसी को ये कन्वर्ट करके मैंने लिखा है एनसीईआरटी बुक में, ये रिएक्शन ये दिया है, ये दिया है और डायरेक्ट आपको ये बना दिया है डाइएजोनियम साल्ट। तो वहां से आपको टोटली रटना पड़ता है टोटली, बट यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे डाइएजोनियम साल्ट बना, उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। बस इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान देकर समझिए, इसके बाद सब कुछ एकदम आसान है। देखिए यहां पे हमारा क्या है, NH2 है और एक ईयन यानी कि हमारा यहां पे है और एक ईयन हमको यहां पे है। स्टूडेंट्स हमको ये कंफर्म होना चाहिए कि पहले स्टेप में हमारा हेलोएरीन नहीं बनेगा, पहले स्टेप में हमको क्या चाहिए, डाइएजोनियम साल्ट। आप सोचेंगे डाइएजोनियम साल्ट एक नया कंपाउंड कहां से आ गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हम लोग अभी बात करते हैं क्या होगा। तो एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन इन दोनों को एक साथ रखना है, आपको इतना याद रखना है, ये रिएक्शन थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि हमको चाहिए क्या, डाइएजोनियम साल्ट। अब देखिए ये N2 हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है तो इसकी एक जो क्लोरीन है वो इस N2 के साथ भेज देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, बेंजीन रिंग में N2Cl। और जो यहाँ पे H2 है स्टूडेंट्स ये H2 और 2H यहाँ पे, यानी कि हमारे पास 2H2 हो गया, 2H2 हो गया और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो अगर हम चाहें तो 2H2 एक कंपाउंड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2H2 रिलीज कर दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक सोडियम है और यहाँ पे एक ही क्लोरीन हमने यहाँ से यूज किया था, एक ही क्लोरीन तो यहाँ पे यूज किया, एक क्लोरीन बचा है उसी को NaCl हमने निकाल दिया। ओवरऑल आपसे कहूँ अगर रिएक्शन नहीं क्लियर हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको बस इतना सेंटेंस याद होना चाहिए कि जब एमीन की रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं NaNO2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर देते हैं या तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या तो 278 केल्विन से ज़्यादा जब टेम्परेचर दें तो हमको क्या मिलेगा, डाइएजोनियम साल्ट। और स्टूडेंट्स ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइएजोनियम साल्ट। इसको ऐसे भी आपको कहीं पर ये मिल जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, इससे एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा और यहां पे एक क्लोरीन रहेगा जिस पे माइनस चार्ज रहेगा। तो डाइएजोनियम साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है और इसी डाइएजोनियम साल्ट की
की हेल्प से हम हेलो एरिन बनाने के कई सारे मेथड पढ़ेंगे और जिसको हम लोग नेम्ड रिएक्शन के नाम से पढ़ेंगे, सैंडमियर रिएक्शन और गार्टरमैन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बस ये एक लाइन आपको याद करनी है, इसके बाद सब कुछ आपके ट्रिक पर बेस रहेगा। तो ये लाइन कैसे याद करनी है कि जब एमीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से करते हैं, HCl की उपस्थिति में 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, डाइएजोनियम साल्ट। इसका एक नाम और है, आपकी NCERT बुक में हो सकता है Cl की जगह पे ऐसे दिया हो X, तो अगर X दिया रहेगा तो हैलाइड कहेंगे और अगर Cl दिया रहेगा तो क्लोराइड कहेंगे। तो इसका एक नाम और है, इसका एक नाम दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, बेंजीन। इसका दूसरा नाम हम आपको दिखा रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये इसका दूसरा नाम है। यानी कि अगर इसी को हम साल्ट में कहें तो BDC कहीं कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा, BDC से आपको ऐसे मिल जाएगा क्वेश्चन बोर्ड में कि BDC से हेलो एरिन का फॉर्मेशन करिए, तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे। और डायरेक्ट अगर पूछ लिया डाइएजोनियम साल्ट से हेलो एरिन का फॉर्मेशन करिए तो भी देखेंगे। अब NCERT में यहाँ पे हेलोजन डायरेक्ट लिखा है, X दिखाया गया है, तो मैटर वो नहीं करता हम हेलोजन ले रहे हैं, कौन सा हेलोजन ले रहे हैं, फ्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं कि ब्रोमीन। मैं यहाँ पे क्लोरीन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। टॉपिक NCERT का ही है बट एक्सप्लेन मैं अपने वे में कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहां पे क्या बना हमारा पहला प्रोडक्ट हमारा बना डाइएजोनियम साल्ट। अब ये जो डाइएजोनियम साल्ट बना इसी को हमको याद रखना है, बस इतना अब हमको याद रखना है। और इसी डाइएजोनियम साल्ट से अब हम बनाएंगे क्या, हेलो एरिन, और एक रिएक्शन पढ़ेंगे सैंडमियर, दूसरी पढ़ेंगे गार्टरमैन। तो ये स्टेप याद हो गया होगा आई होप आपको, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, नहीं क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल दोहराइए। अब हम देखते हैं कि सैंडमियर रिएक्शन कहाँ पे होगी, गार्टरमैन कहाँ पे होगी, और प्रोडक्ट एक ही होगा दोनों में, क्या होगा प्रोडक्ट, हेलो एरिन, रिएक्टेंट भी एक होगा, क्या होगा रिएक्टेंट, डाइएजोनियम साल्ट। यानी कि बदलेगा क्या, बदलेगा केवल रिएजेंट, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, और वहां पे एक सुपर ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोगों ने देखा कि जब हम एमीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 5 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है BDC, जिसको हम कहें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या उसी को हम दूसरा नाम दे डाइएजोनियम साल्ट। और इस डाइएजोनियम साल्ट का आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आपका जो है एमीन वाला, वहाँ इतना यूज़ मिलेगा कि आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डाइएजोनियम साल्ट को प्लीज़ मत भूलिएगा। यानी कि पहले जो हमारा स्टेप हुआ उसमें क्या बना हमारा, डाइएजोनियम साल्ट बना, इसी को हम BDC कहते हैं। BDC का फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लियर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर एक्स कर दे तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। अब हमको इससे क्या बनाना है, हेलो एरिन। तो स्टूडेंट्स ये तो ठीक है, हेलोरिन बनना है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमको पता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में ऐसे रिएक्शन दे देगा, ये ध्यान से देखेगा, यहाँ पे हमने दो टाइप के रिएजेंट यूज किए हैं, एक में CuCl HCl, यहाँ पे भी CuCl HBr, यहाँ पे Cu केवल लिया है, यहाँ पे Cu केवल लिया है। अब आपको करना क्या है, एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताऊँ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिक ये करना है कि जो हाइड्रोजन के साथ है उसको बेंजीन रिंग से आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ Cl है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ Cl है। अब बस इतना करना है आपको, एक बेंजीन रिंग बनानी है, सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बेंजीन रिंग बनानी है, और उसमें जो हाइड्रोजन के साथ है वही जोड़ना है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देना है। इसके प्रोडक्ट में भी क्या बनाना है, एक बेंजीन रिंग बनानी है, और हाइड्रोजन के साथ क्या है, ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देना है। इसके साथ भी क्या करना है, एक आपको बेंजीन बनानी है, और हाइड्रोजन के साथ क्या है, ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन जोड़ देना है। इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, तो यहाँ पर आपको क्या जोड़ देना है, क्लोरीन। अब स्टूडेंट्स ये जो बना, ये क्या बना, वही तो बना जिसको हम चाह रहे थे, ये हेलो बेंजीन ही तो है,
ये बेंजीन क्लोराइड है, हेलो बेंजीन ही तो है, हेलो एरीन ही है, तो बेंजीन रिंग से यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा, इसी को तो हम हेलो एरीन कहते थे। यानी कि ये जो मिला ये हमारा मेन प्रोडक्ट मिल गया। और क्या मिलेगा हमको स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये चीज़ लिया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने क्लोरीन ले लिया, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से क्लोरीन। बस इतना आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगी कि बेंजीन रिंग तो ठीक है बट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा क्या, तो वही जुड़ेगा जो हाइड्रोजन के साथ लिखा होगा या पोटेशियम के साथ या किसी मेटल के साथ वही जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, हो सकता है कहीं पे आयोडीन लिखा हो तो आयोडीन भी जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ बना। इसके अलावा क्या बना, इसके अलावा देखिए क्या बना, इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हमारा हाइड्रोजन बच गया। अब ये हाइड्रोजन इस Cl से रिएक्ट कर लेगा, ये हाइड्रोजन इस Cl से रिएक्ट कर लेगा और हमारा क्या बनेगा, HCl, और क्या बनेगा हमारा N2 बचेगा। N2 को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। अब इस केस में क्या बचा, ये हाइड्रोजन इस Cl से रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पे क्या बनेगा HCl और क्या बनेगा N2, यहाँ पे भी हमारा क्या बना N2। इसके केस में ये हाइड्रोजन इसके Cl से रिएक्ट कर लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा HCl और क्या बनेगा N2। सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी HCl और क्या बनेगा N2। जब चारों में प्रोडक्ट सेम बने तो क्या सर ये चारों एक ही रिएक्शन है? नहीं स्टूडेंट्स, बस बोला ना कि बहुत माइन्यूट आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर CuCl है, यहाँ पे CuCl है, यहाँ पे केवल कहाँ पर है, यहाँ पे केवल कहाँ पर है, तो जहाँ पे CuCl रहे या CuCl2 में रहे ऐसे आपको मिले वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, वहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन होगी, वहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन CuCl कहाँ पर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हो, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड की उपस्थिति में हो, चाहे वो HBr हो, चाहे HCl हो, चाहे HI हो, तो जो बेंजीन रिंग बनेगी उसमें कौन सा जुड़ेगा, उसमें वही जुड़ेगा जो हाइड्रोजन के बगल होगा। तो हाइड्रोजन के बगल क्लोरीन था तो क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन बन गया, ये ब्रोमोबेंजीन बन गया, ये ब्रोमोबेंजीन बन गया, ये क्लोरो, बट है तो सभी हैलोएरीन ही। और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि एमीन की रिएक्शन कराएं और मिले क्या हमको, हेलो एरीन। तो एमीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से हमने कराई HCl की उपस्थिति में, टेम्परेचर दिया तो हमको मिला क्या, हमको मिला डाइएजोनियम साल्ट। और उस डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन जब हमने CuCl की उपस्थिति में कराई HCl से तो हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, हमको मिला हमारा हैलोएरीन। यानी कि दो स्टेप में रिएक्शन पूरी हुई। लेकिन एग्जाम में ऐसे दोनों स्टेप आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, या साल्ट नोट लिखिए सैंडमेयर रिएक्शन पे, तो आप वहां पे बस ये याद रखेंगे कि जब डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन CuCl की उपस्थिति में HCl से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हैलोएरीन, और क्या मिलता है HCl और N2। तो आई होप ये कैसे मिला सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो जहां पे CuCl हो इन दोनों केस में तो ये हो गया हमारा सैंडमेयर रिएक्शन, और जहां पे केवल Cu हो ये हो गया हमारा कौन सी रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन। अब बताइए आपको कहीं से भी ये रिएक्शन टफ लगी, आई होप नहीं लगी होगी। बस आपको कितना ध्यान देना है, यहाँ पे कहाँ पर अगर अकेले है तो गाटरमैन रिएक्शन है, प्रोडक्ट सेम, रिएक्टेंट सेम, बस रिएजेंट बदला है। अगर यहाँ पे कहाँ पर अकेले हो तो गाटरमैन रिएक्शन, अगर कहाँ पर क्लोराइड के साथ हो तो कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने गाटरमैन को भी कंक्लूड किया क्योंकि एनसीईआरटी में केवल सैंडमेयर रिएक्शन है। तो बिल्कुल मत घबराइए, अगर कहीं पे आपको ये सब मिटा दिया जाए और ऐसे प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज होके सोचेंगे क्या बनेगा यार, चाहे कहां पर दिया हो, चाहे क्यूप्रिक क्लोराइड दिया हो, बनेगा क्या, हैलोएरीन, HCl और N2। आपको क्या करना है, यहाँ से Cl को H से रिएक्शन कराना है, N2 को अकेले निकाल देना है और जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है उसी को बेंजीन रिंग से जोड़ देना है। तो ये हमारा क्या बन गया, हेलो एरीन। तो आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या है और गाटरमैन। अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको दो स्टेप नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि एमीन से कैसे बनेगा हेलोएरीन, तो आपको पहले वो रिएक्शन लिखनी होगी जो हम लोगों ने पहले पेज में पढ़ी, देन आपको ये रिएक्शन देनी होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट आया कि डाइएजोनियम साल्ट से हेलोएरीन बनाओ, तो बस ये रिएक्शन, एक रिएक्शन कोई आप दे दीजिएगा, या क्वेश्चन आया सैंडमेयर रिएक्शन तो भी कोई एक रिएक्शन ऊपर से, इन दोनों में दे दीजिएगा। क्वेश्चन अगर आया गाटरमैन रिएक्शन तो इन दोनों में से कोई दे दीजिएगा।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ। वीडियो लेक्चर छोटा था बट इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ट्रिकी था। तो अगर वीडियो आपको क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत ही जल्द हम लोग हेलो एलकेएन कंप्लीट करेंगे। और एक बात बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक जितनी जल्दी हम खत्म करेंगे उसके बाद सारी रिएक्शन को सुपर ट्रिक हम आपको देंगे, पूरी रिएक्शन को समराइज कराएंगे, रिएक्शन पहचाननी कैसे है, रिएक्शन को निचोड़ के रख देंगे एकदम। बस आप पढ़ते रहिए गूगल केमिस्ट्री के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।